सब लोगों के बलिहाज आमाल दर्जे मुकर्रर हैं, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो बेनियाज है, साहिब रहमत है। अगर चाहे तो ऐ बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो पूरा होने वाला है, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। कह दो कि लोगो तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि मुशरिक कामयाब नहीं होंगे, और ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और मवेशियों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं, और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। क्या बुरा हुक्म लगाते हैं। इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों यानी शैतानों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है, ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खल्त मल्त कर दें, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न करते। सो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये मवेशी और खेती मना है, इसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए, और बाज मवेशी ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर जबह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है, और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज पर सजा देगा, बेशक वो हिकमत वाला है, खबरदार है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफी से, नासमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर इफ्तिरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए। वो बिलाशुबा गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी, और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए, और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, दो दो भेड़ों में से और दो दो बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ।